हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। जय माता जी। आज है नवरात्र का दूसरा दिन और मैं वापस से रेडी हो चुका हूँ अपने जिम आने के लिए, क्योंकि आज है मंडे का दिन, कल था संडे रेस्ट डे। तो कल बढ़िया से रेस्ट किए और माता रानी के दर्शन किए, जो आप देख ही चुके हैं, आपको दर्शन करा दिया था गंगा यहाँ के। तो पहले दिन लेसन्स ले लिए हैं, अब आगे अच्छे जाने वाला है सभी दिन। आज तो मिल ही गया अपने को और आज रहेगा शोल्डर डे। तो पहुँच गया मैं जिम, थोड़ा सा लेट हो गया था आज उठने में, तो अब वेट कर रहा हूँ फटाफट से, फिर मिलता हूँ आपसे। तो मंडे मॉर्निंग रहा बहुत ही बढ़िया, मंडे मोटिवेशन का हमने बढ़िया की एक्सरसाइज, और साथ में हरी सिंह का नया गाना सुन रहे थे जो आया है, बहुत बढ़िया गाना बनाया है, बहुत दिनों बाद अच्छा गाना आया एक। और पता नहीं सर, आज एक सपना देख रहे थे मैं, क्या सपना देख रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ आज बढ़िया सोया हूँ, मैं अपने में सोया हूँ और ना आज संडे बोल के मस्त सोया हूँ, और जब नींद खुले 9 बजे तो देखता हूँ, अरे यार आज संडे टाइम क्यों नहीं लग रहा है, आज तो मंडे है और मेरा जिम स्किप हो गया। ये सोच के एकदम मैं हड़बड़ाक उठा, असली मुड़ गया, फिर पहले सपने में उठा था, बाद में असली मुड़ गया। फिर देखता हूँ अभी तो 6 बजे है, देख रहा सपने भी जिम के ही ख्याल आ रहे हैं, जिम ही जिम सपने में आता है, और ये डर लगता है कि सपने में जिम मिस मिस हो जाए। तो आपके यहाँ कुछ हुआ ट्रेजेडी का भी? आपको तो आते रहते हैं जिम वाला सपना? मैं सोने के पहले सोचते रहता। अच्छा, सोने के पहले सोचते हो? मैं नींद में भी सोचता हूँ, सोने के पहले भी सोचता हूँ, सोने के बाद भी सोचता हूँ, दिन भर जिम ही जिम सोचता हूँ। तो चलते हैं, अभी स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा, मिलते हैं आपसे। हम लोग आए चंडी मंदिर और हमारे गुल्लू सर आए आज घूमने के लिए हमारे साथ, तो उनको दर्शन करवा रहा हूँ मैं माता रानी के अलग अलग जगह के। अभी सामने एक और जगह जाएंगे हम लोग, पहले यहाँ चंडी मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, फिर चलेंगे सामने और मंदिर है वहाँ पर पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। जय माता रानी। Thank you.
आ जाता है माता रानी के मंदिर के राउंड लगाना चाहिए यहाँ पर, और माता रानी का विराजमान है तो दीवार में माता रानी का अलग मूर्तियाँ बनी है यहाँ पर प्रचलित है ज्योतिर्कलश, और यहाँ पर माता रानी है माता रानी आप सबके आशीर्वाद दे और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। यहाँ पर गणपति जी का एक मंदिर है, साथ में ही माता रानी के मंदिर है, बढ़िया सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया सा लाइटिंग हो रही है, पूरे जो मंदिर है ऊपर का सबको सजा दिया गया है। और यहाँ पर है घाट महामाई मंदिर, यहाँ पर गणपति जी विराजमान है सामने, और दोनों तरफ जो माता रानी का सवारी होता है सिंहराज वो है, और यहाँ पर है गणपति महाराज हमारे। अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर का सीन। दोस्तों ऐसे है हमारे गणपति जी का बड़ी सी मूर्ति यहाँ पर जवान है, जय गणपति महाराज। और यहाँ पर कुछ बनाया गया है, चलते हैं अंदर, अंदर से पूरा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर है हमारे शिव जी, यहाँ पर नंदी महाराज जी विराजमान है, और पहली बार आ रहा हूँ मैं आज इस मंदिर में, इससे पहले नहीं आया था कभी, अच्छी बात एक्सप्लोर करने को मिल जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग जो नौ रूप हैं माता रानी के सबको विराजमान किया गया है। यहाँ पर देखिए ये महादेवी माँ शैलपुत्री देवी। दोस्तों आप जैसे देख चुके हैं नौ रूप माता रानी के, जो अलग अलग जो एक एक दिन के लिए रहते हैं अलग अलग, उनका यहाँ पर पूरा विद्यमान किया गया है। और यहाँ पर है हमारी माता रानी का मंदिर, मेन जो माता रानी उनका, यहाँ पर जो तो भी चल रहे हैं कुछ, यहाँ पर सामने कुछ सभी नौ कलश का विराजमान किया गया है, और जितने ही भगवान देवी देवता को स्थापित करते हैं सबको स्थापित किया गया है। यहाँ पर भी आरती नहीं हुई है, ये पंडित जी हमारी तैयारी कर रहे हैं आरती के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं, बजा लेते हैं हम लोग भी। ज्योतिर्कलश स्थापना किया गया है ऊपर वाले फ्लोर में किया गया है, तो मैं और गुलशन चल रहे हैं ऊपर ज्योतिर्कलश के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है ज्योतिर्कलश के दर्शन करने भी बहुत शुभ होता है और माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, तो चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर छत बना हुआ है, यहाँ से है, यहाँ पर देख सकते हैं हम ज्योतिर्कलश की स्थापना हुई है। रॉक और कक्ष है, तो घूमते घूमते हम लोग दर्शन कर रहे थे, अभी आ चुके हैं बस स्टैंड में और गुलशन सर। और यहाँ पर है काली माता विराजमान की है, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, भव्य मूर्ति है, बस वो डेकोरेशन किया गया वैसे ही थीम है, थोड़ा सा डार्क डार्क थीम जैसे काली माता का थीम रहता है। तो पास से चलते हैं और पास से दिखाता हूँ आपको कि कैसा डेकोरेशन किया गया है, और आशीर्वाद भी दिलाता हूँ आपको। कुछ डेकोरेशन किया गया है साइड में, बल्ब वगैरह को बढ़िया से डेकोरेट किया गया है दोनों साइड से, और यहाँ पर माता रानी की मूर्ति, बच्चे लोग भी आशीर्वाद लेने आए हैं। पास से चलते हैं थोड़ा, तो काली माता का जो रहता है ना और आके देख के थोड़ा सा डर भी लगता है, ऐसा कुछ ही ये रौद्र रूप है माता रानी का जो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है।